यार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 8th क्लास की पोयम ज्योग्राफी लेसन लेकर आया हूँ, जिसकी हिंदी है भूगोल का एक पार्ट। यहाँ पर पोएट ने अपने कुछ अनुभव लिखे हुए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर अगर जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखा जाए तो कैसा महसूस होगा या कैसा दिखाई देगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, जिसे बहुत व्यवस्थित तरीके से एक समानुपातिक रूप से एक भौगोलिक रचना के तहत डिजाइन किया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज। यह आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह थोड़ा सा वास्तविकता से अलग है। व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जबकि आप एक घनी आबादी वाले शहर में रह रहे हैं। Here is poet's description of just such a view of the city and some question that come to the mind। जहाँ पर poet के द्वारा, कवि के द्वारा एक शहर का देखा हुआ वर्णन किया जा रहा है और उसमें इसे देख करके उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए देखते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city। जब उसका विमान आकाश में ऊपर उठता है, it was clear why the city, यह स्पष्ट हो जाता है इस शहर कैसा है, साफ दिखाई देने लगता है। Had developed the way it had seen it scaled in 6 inches of the mile। उसका शहर बहुत व्यवस्थित था, वो 6 इंच की दूरी से, 6 इंच की दूरी से लेकर मीलों तक की दूरी से नापता है और देखता है। There seemed an inevitability about what the ground had to have a hazard। उसे यह महसूस होता है कि यह कितना अव्यवस्थित, शैलीहीन और अनियोजित लग रहा है। Unplanned and without style, ऐसा लग रहा है जिससे किसी ने बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजना के इसको बना दिया है। When the jet sprang into the sky, जब उसका जेट, जब उसका विमान आकाश में उड़ता है। Second, when the jet reached 10,000 feet, जब उसका विमान 10,000 फीट पर पहुंचता है। It was clear why the country had cities where the region rivers ran। उसे ये चीज स्पष्ट दिखाई देने लगा कि शहर नदियों के पास क्यों बनाए गए, या शहरों को नदियों के पास क्यों बसाया गया। Why the valleys were populated, घाटियों में या घाटियों के आसपास इतनी जनसंख्या कैसे निवास करने लगी, इतने लोग कैसे निवास करने लगे, रहने लगे। The logic of geography, यह भूगोल का एक लॉजिक है, एक तर्क है। That land and water attracted man, कि पानी और जमीन हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए आए हैं। Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, और ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब उसका विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया। When the jet rose 6 miles high, और जब उसका विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया, it was clear the earth was round, यह बात कंफर्म हो गई, यह बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी गोल थी। एंड
दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और ये भी पता चल गया कि जमीन से ज्यादा समुद्र है या पानी का एरिया ज्यादा है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात समझने में बड़ी कठिनाई हुई, दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉज अक्रॉस द सिटी एंड टू किल। वो बात यह थी कि पृथ्वी पर जो लोग पाए जाते हैं वो किस लिए एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे की शहरों में बॉर्डर के लिए दीवार बनाते हैं और एक दूसरों को मारने के लिए आतुर होते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी अधिक ऊंचाई से भी देखने के बाद ये चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पोएट का नेम जुल्फिकार घोष। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।